प्यार का भूत हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। वैसे प्यार का भूत सर चढ़कर बोल रहा है ना समीर के, और इसी चक्कर में पड़ गया है माँ से जोरदार चाटा। वैसे हरकत जो की है ना, चाटा तो पड़ना ही चाहिए। आई मीन प्यार में नाकामी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई अपनी ही जान देने की कोशिश करे। सीरियसली, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का ये इलाज तो बिल्कुल ही नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब 90 के दशक में लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और बिना करियर बनाए ही शादी की जिद करते थे। समीर भी कुछ ऐसी ही जिद कर रहा है, इसीलिए तो उसके गाल पर पड़ा है जोरदार चांटा, वो भी माँ के हाथ का। क्योंकि उसका दिल दीवाना है, दिल पर उसने नैना का नाम लिख लिया है और अब वो किसी भी हालत में नैना के साथ शादी करना चाहता है। स्पेशली 90s का जो प्यार था ना, उसमें मुश्किलें बहुत आती थी। तो मेरा फिलहाल जो हमारे शो का जो ट्रैक चल रहा है वो ये है कि समीर नैना की जो लव स्टोरी है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। शादी की बात आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज मान नहीं रही हैं हमारी शादी के लिए। बहुत सारे रीजंस होंगे, क्योंकि उस टाइम पे रीजंस भी अलग हुआ करते थे, प्लस अभी समीर और नैना की उम्र भी नहीं है शादी की। बट स्टिल फिलहाल वही प्यार की दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। घर वाले मना कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। वो अपने हाथ की नस काटे उससे पहले घर वालों ने रोक लिया और माँ के चांटे ने सबको अचंभित कर दिया। जिद पे आके कि अब कुछ भी कर जाऊंगा, अगर नहीं माने तो अपनी जान भी दे दूंगा, वैसा कुछ चल रहा है। 90 का दशक का मशहूर गाना है ना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। समीर भी डरता नहीं और रुकेगा भी नहीं, और किसी के रोके रुकता नहीं। उसने दीवार पर अपनी और नैना की कितनी सारी तस्वीरें लगा रखी थी जो घर वाले उखाड़ कर फेंकने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर समीर ने एक दूजे के लिए के बासों की तरह ही अपने प्यार का ऐलान कर दिया है और प्यार के लिए घर वालों के सामने बगावत भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि ये बगावत कितनी रंग लाती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।